Hello guys, good morning. Good morning everyone. Okay, good morning guys. Audio video check करवा दे अभी, सब कुछ क्लियर है क्या? अश्विनी, चंद्रिमा, गीतांजलि, माही, प्रवश, चारु, अंकु, निशि, विशाल, सीमा, सुशील जी, शालू, गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो एक बार ऑडियो वीडियो चेक करवा दें, सब कुछ क्लियर है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम लोग जो हमारी आगे वाली जो लर्निंग थ्योरीज है उनके बारे में बात करेंगे। एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू नो आपके इक्वेशन जो है इस टॉपिक से आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ओके, ओके भाई, तो एक बार ऑडियो वीडियो बता दें, सब कुछ क्लियर है? ओके, यू आर ऑडिबल। ओके चारू जैन, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। इसके अलावा ध्यान रखेंगे मेरी अनकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी आप लोगों को फ्री क्लासेस मिल जाएगी, जो कि इवनिंग 7 PM पे होती है, पेपर वन की, जहां पे मैं आज आपसे रिसर्च, टीचिंग एंड कम्युनिकेशन, तीन मेजर यूनिट के जो MCQs है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, रिसर्च, टीचिंग एंड कम्युनिकेशन, 7 PM इन द इवनिंग। ओके गाइस, सो इस क्लास का जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां से नोटिफाई भी कर लेना। सेशन को ज्वाइन जरूर करें, डेली मेरी क्लास होती है अकेडमी की लर्निंग ऐप पे, मेरी प्रोफाइल को भी फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर लें ताकि मेरी सभी क्लासेस आप ऑन टाइम जो है ज्वाइन कर सकें। इसके अलावा जो है आप लोगों को मेरी अनअकैडमी प्लस पे न्यू बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे मैं आप लोगों को रिसर्च एप्टीट्यूड करवाने वाली हूँ, तो जो ऑलरेडी प्लस पे है वो सेशन को ज्वाइन कर लें, एनरोल कर लें, और जो नहीं है वो आज ही अपना प्लस सब्सक्रिप्शन लेके मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पेपर वन एंड पेपर टू दोनों एक ही सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल होगा। PUJ10, ये मेरा रेफर कोड है, एंड फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ये रेफर कोड जो है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास चल रही है गाइस, एक बार सभी जो है रीस्टार्ट कर ले, क्योंकि मेरे को भी प्रॉब्लम आ रहा था, जीरो लर्नर्स मुझे भी शो हो रहे थे, बट अभी रीस्टार्ट किया तो सही से मुझे आप सभी शो हो रहे हो। ठीक है, मतलब पहले मैसेजेस आ रहे थे पर लर्नर्स जीरो शो हो रहे थे, तो एक बार रीस्टार्ट कर ले, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, टेक्निकल है भाई, थोड़ा सा रिफ्रेश सभी को चाहिए होता है, हमें भी एंड टेक्नोलॉजी को भी रिफ्रेशमेंट की जरूरत सभी को होती है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। एंड एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके, और देखिए गाइस, मेरी जो सभी क्लासेस की PDFs है वो आप लोगों को अनअकैडमी प्लस पे अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, एंड मैं दोनों लैंग्वेजेस में ही आप लोगों को पढ़ाती हूँ। और आपके पास दो प्लान अवेलेबल है, प्लस एंड आइकॉनिक, जो भी प्लान आप चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। आइकॉनिक में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स है, जैसे कि यहाँ पे आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाता है, विच इज द बेस्ट पार्ट, आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, दैट इज द इंटरव्यू। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी जा सकते हैं। कॉम्बैक्ट आप लोगों के लिए ऑल्टरनेट संडे ऑर्गेनाइज किया जाता है, बैच कोर्सेज, रिविजन कोर्सेज, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो है आप लोगों के लिए अकेडमी पे लेके आए जाते हैं, तो इन सभी जो है आप कोर्सेज का, क्विजेस का, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, इन सभी का बेनिफिट आपको मिलता है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे। तो फटाफट से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर ले, अपना गोल आपको सिलेक्ट करना है NTAGCNET, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, देन आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पे। अगर आप प्लस लेना चाहते हैं तो प्लस पे जाना है, आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक पे आपको जाना है। फीस कुछ इस तरह है, आपके सामने जो है स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको जो है पूछा जाएगा हैव अ रेफरल कोड, इस तरीके का गिफ्ट बॉक्स नजर आएगा, यहाँ पे आपको कोड अप्लाई करना है PUJA10 फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ठीक है, आपके पास EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, डेबिट क्रेडिट नो कॉस्ट EMI ऑप्शन के साथ ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट लर्निंग थ्योरीज की टॉपिक जो था हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा।
सो यहाँ पे काफी सारी लर्निंग थ्योरीज जो हम लोगों ने कल वाले सेशन में डिस्कस कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो लर्निंग की डेफिनेशन, मतलब लर्निंग क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया था। जिन्होंने भी लास्ट क्लास नहीं ली है वो प्लीज लास्ट क्लास को जरूर वॉच कर लेना, प्लेलिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगी सारी क्लासेस। ठीक है, तो लर्निंग को हमने जो है डिफाइन किया था, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, एलिमेंट्स क्या होते हैं एक लर्निंग में, क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था, इज अ टाइप ऑफ, ध्यान रखना, इट्स अ टाइप ऑफ बिहेवियर थ्योरी। ये बिहेवियर थ्योरी का ही एक हमारा टाइप है। ठीक है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई जो किया जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर ऑपरेंट कंडीशन के द्वारा, ऑपरेंट थ्योरी होती है ना, ऑपरेंट थ्योरी, उसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो होता है ये हमारे क्लासिकल कंडीशन थ्योरी में क्या होता है, हमें कुछ एक बिहेवियर को स्टिमुलाई किया जाता है, उसको फिर हम लोग स्टिमुलस से हम लोग क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, और हमारी क्या होती है, कंडीशनिंग होती है, मतलब कंडीशंस होती है हमारे सामने, उनको हम रेस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारे अंदर नॉलेज जो है वो बिल्डअप होती है, या फिर हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं। अल्टीमेटली लर्न करवाना ही जो है इस थ्योरी का ऑब्जेक्टिव है। सो दिस इज द टाइप ऑफ बिहेवियर थ्योरी, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आई होप सो कि आप लोग क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे हमने नेक्स्ट जो बात की थी, बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स होता है, मतलब री इन्फोर्समेंट दिया जाता है। इस थ्योरी में सबसे मेन पार्ट जो है वो है आपका री इन्फोर्समेंट, आपको जो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के तौर पे री इन्फोर्समेंट दिए जाते हैं, एंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से आपका क्या होता है, जो बिहेवियर आपका होता है वो डेवलप होता है। अब देखिए री इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि मैम री इन्फोर्समेंट को एक बार वापस से बता दीजिए। तो देखिए री इन्फोर्समेंट क्या होता है गाइस, मान लीजिए मैं आपको मतलब एक पर्टिकुलर बिहेवियर को दोहराना चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि आपका जो ये बिहेवियर राइट नाउ आप जो कर रहे हैं वो चीज वापस से आप रिपीट करें, तो उसी के लिए क्या किया जाता है, उसी के लिए जो है रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। मान लीजिए आप में गुड हैबिट कोई डेवलप हो गई है, और वो गुड हैबिट जो है मैं चाहती हूँ आपके अंदर बनी रहे, तो इस गुड हैबिट को मैं करूंगी रीइंफोर्स करूंगी, और जो रीइंफोर्स मैं करूंगी वो कैसे करूंगी, या तो अवार्ड से करूंगी या रिवॉर्ड से करूंगी। फॉर एग्जाम्पल द गुड मार्क्स, अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो मैं आपको क्या दूंगी, रिवॉर्ड दूंगी, क्या दूंगी, रिवॉर्ड दूंगी। ठीक है, और अगर आप मार्क्स गंदे लेके आते हैं तो आपको मैं पनिश करूंगी। तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है कि आप जो है ये पर्टिकुलर बिहेवियर वापस से रिपीट करें या ना करें, जो भी सिचुएशन है। ठीक है, अगर आप नेगेटिव, देखिए रीइंफोर्समेंट भी दो टाइप की होते हैं, ध्यान रखना, द रीइंफोर्समेंट आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और एक होता है आपके नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इस पे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है अबाउट द रीइंफोर्समेंट, तो ध्यान रखिएगा जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है वो आपके रिवॉर्ड्स के रूप में होता है, मतलब आपको गिफ्ट मिलता है, प्रेज मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, तो वो जो होता है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आता है। अगर आपको जो रीइंफोर्समेंट मिलता है वो पनिशमेंट के तौर पे, या आपको पनिश किया जाता है, सजा के तौर पे दी जाती है, ठीक है, तो वो पिटाई वगैरह आपकी की जाती है, या फिर कोई बेनिफिट आपसे छीन लिया जाता है, तो वो जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रीइंफोर्समेंट भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होता है हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट होता है वो आपका होता है प्रेज के तौर पे, आपको गिफ्ट मिल गया, वाउचर मिल गया, आपको शाबाशी मिली, ये जो है ये सारे आपके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं, आपकी जो है पिटाई की जाएगी अगर आपने ये बिहेवियर वापस किया तो, या फिर आपसे जो है एक पर्टिकुलर चीज, ऐसा होता है ना कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आपसे आपका फोन ले लिया जाता था, मतलब जब आप छोटे थे तब, आपको या टीवी नहीं देखने दिया जाता था, मूवीज आपको नहीं देखने दी जाती थी, और ये कहा जाता था कि अब आप कहीं पे भी बाहर घूमने नहीं जाएंगे, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिलेंगे, तो ये जो रीइंफोर्समेंट था ये आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, कैसा रीइंफोर्समेंट होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपका ये होता है। क्लियर है क्या, ओके एक बार मुझे बता दें सब कुछ क्लियर है, मतलब ये पॉइंट क्लियर हो गया। रीइंफोर्समेंट दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, टू टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट।
ठीक है, ओके क्लियर हो गया चारू जैन जी, मतलब जिनका भी क्वेश्चन था होप सो बाकी का भी क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने लास्ट सेशन नहीं लिया था तो मैंने एक रिपीट कर दिया है, और कंटिन्यूएशन जरूरी होता है इस वजह से। और बिहेवियरिस्ट थ्योरी के कुछ मेन लॉज है जो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी दैट इज द कॉग्निटिविस्ट लर्निंग, ठीक है, कॉग्निटिविस्ट लर्निंग थ्योरी जो है हमारी नेक्स्ट थ्योरी है। अब आपको पता है कॉग्निटिव किससे रिलेटेड होता है, हमारे इंटेलेक्चुअल या फिर हमारी मेंटल एबिलिटी, या फिर हमारी जो है मेंटल एबिलिटी से ये रिलेटेड होता है, करेक्ट है ना। जो कॉग्निशन है हमारा, जो कॉग्निटिव लर्निंग जो होती है वो हमारे इंटेलेक्चुअल या फिर मेंटल एबिलिटी से ये हमारी क्या होती है, रिलेटेड होती है। देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम पूरा दिन, अंकु कुमारी जी का क्वेश्चन है कि मैम पूरा दिन पॉजिटिव कैसे रहा जाए, कभी नेगेटिव थॉट ही ना आए, ऐसा पॉसिबल है क्या? देखिए गाइस ऐसा पॉसिबल है इन सम सिचुएशन, अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं। देखिए इन सब से निकलने का एक ही रीजन होता है कि आप अपने आप को बिजी कर ले, चाहे अपनी पढ़ाई में करें या कुछ भी काम करते रहे, बट अपने आप को बिजी रखें, तो ऑटोमेटिकली जो है आपके माइंड से जो नेगेटिव थॉट्स है वो निकल जाएंगे या फिर बिल्कुल कम आएंगे, बिल्कुल कम आएंगे। अगर आप बिजी रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, या आप पढ़ाई करते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स वगैरह रेफर करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। देखिए दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखना। तो अपने आप को पॉजिटिव भी रखना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है गाइस, बहुत आसान है, ध्यान रखिए। चलिए तो कॉग्निटिविस्ट लर्निंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जो कॉग्निशन होता है ये हमारे इंटेलेक्चुअल या फिर मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है। और ध्यान रखना, जब भी मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सब्जेक्ट है वो करवा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं आपको क्या दे रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, और आप उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं अपने अंदर, मतलब आप अपनी जो माइंड है उस माइंड में अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसे ले रहे हैं, बट आप उस इन्फॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ले रहे हैं, मतलब आपके माइंड में जो प्रीवियसली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उससे आप क्या कर रहे हैं, जो अभी मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ उन दोनों को आप क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, और एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में सेट करते जा रहे हैं। तो ये होता है आपका कॉग्निटिविस्ट लर्निंग के अंदर, ठीक है। तो कॉग्निटिविस्ट बिलीव दैट एवरी सब्जेक्ट हैज अ स्ट्रक्चर, देखिए उनका ये मानना है कि होता है कि सभी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं या किसी भी टॉपिक पे आप बात करते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर थ्रू द लेक्चर और द डेमोंस्ट्रेशन, लर्नर्स वुड एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स। तो अगर आप को कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है और एक वो इंफॉर्मेशन अगर आपको जो है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में या फिर एक प्रॉपर लेक्चर वगैरह के साथ दी जाती है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको लेक्चर दिया जाता है या डेमोंस्ट्रेट करके कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो वो आपके माइंड में क्या हो जाती है, बैठ जाती है, मतलब आप उसे समझ जाते हो और आपकी जो कॉग्निशन है, आपका जो इंटेलेक्चुअल है, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, उसके अंदर क्या होता है, आपका इम्प्रूवमेंट होता है। तो दिस इज द नॉलेज एंड स्किल्स, ये क्या होती है हमारी नॉलेज एंड स्किल्स जो है इससे हमारी डेवलप होती है। ऑब्वियसली बात है गाइस, जो भी मतलब आज आपके अंदर अगर पीजी लेवल की नॉलेज है तो वो कैसे आई, मुझे बताइए। आप आज पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आपको कहा जाता है, मतलब आपको एक नॉलेजेबल पर्सन ही तो कहा जाता है, और ये नॉलेज कैसे आती है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन हमें हमारी टीचर्स या हमारे एनवायरमेंट से हमें मिलती है, हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने माइंड में सेट करते जाते हैं ना, बिल्कुल करेक्ट है, ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने माइंड में हम लोग लेते जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे नॉलेज एंड स्किल्स दोनों का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है।
ओके एंड गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर किया करें सेशन, ठीक है। लाइक एंड शेयर करना बहुत जरूरी होता है सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए लाइक एंड शेयर कर दिया करें। बाकी नॉलेज का डोज आपको जो है यहाँ पे मैं देती हूँ, और डेली हमारी क्लास होती है। ध्यान रखिए टाइमिंग जो है मतलब ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, वीक में 3 दिन हमारी क्लास होती है 8 AM पे, मॉर्निंग 8 AM पे, टाइमिंग का ध्यान रखा करें, ओके। चलिए तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, आगे चलते हैं मतलब इसी में। तो टू देम लर्निंग इज द एक्विजिशन असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स इन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मतलब जो भी आपको लर्निंग दी जाती है आप उसको एक्वायर करते हैं, एसिमिलेट करते हैं और अकोमोडेट करते हैं नॉलेज को एंड स्किल्स को अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब अपने मेंटल जो है, इंटेलेक्चुअल जो है, आपके माइंड में जो है, आप उस इंफॉर्मेशन का क्या बना रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर आप अपने अंदर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं गाइस, आगे देखिए ये इमेज आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज कॉग्निशन, ठीक है। कॉग्निशन देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव जो है प्रोसेस जो है, कॉग्निशन जब आपके अंदर डेवलप होता है, ध्यान रखिए जब भी आप में कॉग्निशन डेवलप होता है मतलब कॉग्निशन एक्टिविटी जब आप करते हैं, तो उससे आपको जो अल्टीमेटली होती है वो आपको होती है लर्निंग। अल्टीमेटली आपको क्या होती है, इससे लर्निंग होती है। जितनी भी कॉग्निशन एक्टिविटीज है उससे आपको क्या होती है, उससे आपको लर्निंग अचीव होती है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक लड़की यहाँ पे बेड पे बैठी हुई है, कि बुक पढ़ रही है, ये क्या कर रही है, बुक को रीड आउट कर रही है, और बुक को रीड आउट करने से उसके दिमाग की बत्ती जो है वो जल जाती है। दिमाग की बत्ती जल गई भाई, बताओ फटाफट से बताइए। डिजिटल इनिशिएटिव्स की जो क्लास है गाइस वो दिस संडे मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। लास्ट संडे मैं नहीं ले पाई थी, पर इस संडे वो क्लास मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करूंगी, ठीक है। ठीक है, इस संडे को ऑर्गेनाइज करेंगे 9 AM पे, 9 AM दिस संडे, ओके। चलिए तो यहाँ पे हम लोग कॉग्निटिव प्रोसेस की बात कर रहे थे। तो देखिए कॉग्निटिव एक्टिविटीज जब आप अपने अपने अंदर लेके आते हैं ना, मतलब कोई भी मेंटल एबिलिटी मतलब इंटेलेक्चुअल या मेंटल एबिलिटी जब आपके अंदर आती है, या आप कुछ भी सोचते हैं समझते हैं, या फिर अल्टीमेटली आपके माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है, आपके माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है, तो उससे आपके अंदर जो है लर्निंग होती है। अब जैसे कि इस पिक्चर को ही देख ले, ये जो गर्ल है ये बुक पढ़ रही है, बुक पढ़ने से आपके इसके माइंड में क्या जा रहा है, इंफॉर्मेशन जा रही है, और इंफॉर्मेशन जाने से क्या हो रहा है, इसके कॉग्निशन या फिर मेंटल एबिलिटी का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है थ्रू द लर्निंग। मतलब इसने क्या कर ली है, लर्निंग जो है वो अचीव कर ली है, कर ली है। तो मतलब अल्टीमेटली जो भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जाती है और उसको आप क्या करते हैं, उसको आप अंडरस्टैंड करते हैं, ग्रेस्प करते हैं, समझते हैं, तो आपके अंदर जो है लर्निंग जो है अचीव होती है, आपका कॉग्निशन जो है वो डेवलप होता है, और अल्टीमेटली आपके अंदर लर्निंग जो है अचीव होती है। चलिए तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, व्हाट इज कॉग्निटिव थ्योरी ये आपको समझ में आ गई कि आप फटाफट से मुझे बता दीजिए। कॉग्निटिव जो थ्योरी है ये आपको समझ में आ गई है, तो नेक्स्ट थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरी एक बार मुझे बता दे, थम्स अप करें सभी कि भाई समझ आ गई है। ओके ऑल क्लियर। चलिए तो यहाँ पे लर्निंग जो है बेस्ड ऑन द मेंटल प्रोसेसेस बाय विच लर्नर्स टेक इन इंटरप्रेट एंड स्टोर्स द रिट्रीव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको स्टिमुलस मिलता है, आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस स्टार्ट होती है एंड आप देते हैं रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स देके आप में क्या होती है, लर्निंग जो है आपके अंदर वो अचीव हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी थ्योरी है, दैट इज द सोशल लर्निंग थ्योरी।
सोशल लर्निंग थ्योरी देखिए यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रही है। देखिए द सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है, इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। जो सोशल लर्निंग थ्योरी है इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। अभी क्लियर है क्या? हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो रहा है इसमें। अभी तो क्लियर है, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा आ गया था बफा, बट अभी ठीक है। नाउ क्लियर, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। ओके, सो बिल्कुल सही है भाई, अभी हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। थोड़ा सा आ गया था टेक्निकल इश्यू, नाउ रिजल्ट। चलिए, तो सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो सोशल लर्निंग थ्योरी आल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। देखिए, इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्यों कहा जाता है, सोशल लर्निंग थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के नाम से क्यों जाना जाता है? तो उसका एक रीजन है कि जो भी हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जो भी हम लोग आसपास अपनी फैमिली में, अपने एनवायरमेंट में, अपनी सराउंडिंग में जो भी हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उससे हम लोग सीखते हैं। हम क्या करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, फिर सीखते हैं। मैं वापस से बता रही हूँ चारू, मैं वापस से रिपीट ही कर रही हूँ कि सोशल लर्निंग थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए, हम अपनी फैमिली, सराउंडिंग, एनवायरमेंट, आस पड़ोस जिसे हम कहते हैं, तो सबको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके हम लोग क्या क्या करते हैं, उससे हम लोग सीखते ही तो हैं। सामने वाले पड़ोसी ने क्या कहा और उसका क्या रिएक्शन रहा, उससे हम लोग सीखते हैं। या फैमिली में जो भी सर्कमस्टेंसेस है, मान लीजिए आपके कोई भी ब्रदर, बड़े भाई बहन है, तो उसको देख के आप सीखते हैं या नहीं सीखते कि भाई आपके भाई बहन में से किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की और उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आप उनसे सीखते हैं ना कि नहीं मुझे भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एंड जैसे भैया या दीदी ने पढ़ाई की है वैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे डेडिकेटेडली, हम उनसे और गाइडेंस लेते हैं। मतलब हम अपने एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, हम अपने एनवायरमेंट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उससे क्या करते हैं, फिर सीखते हैं। तो दिस इज नोन एज द सोशल लर्निंग थ्योरी। इसे क्या कहा जाता है, इसे सोशल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। और अगर हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते अपने एनवायरमेंट को या अपने फैमिली मेंबर्स को, तो आपको पता है ना कि हमारे पेरेंट्स हमें ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व करवा देते हैं, पता है ना, सबकी डांट पड़ती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये सिचुएशन चल रही है, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। या फिर अपने भाई को देखिए कि वो कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, या अपनी दीदी को देखो, उन्होंने कितनी अच्छी पढ़ाई की है, कितने अच्छे मार्क्स के साथ वो पास होते हैं। तो अगर आप खुद ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली मेंबर्स जो है, आपके मम्मी पापा या कोई भी है, वो आपको ऑब्जर्व करवा ही देते हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए, और फिर भी अगर नहीं सीखते हैं तो पता है ना, फिर आपको मिलती है पनिशमेंट कि मैं बढ़िया तरीके से जो है आपको फिर सिखाया जाता है, एक दिन आपकी क्लास लगती है और उस दिन आप समझ जाते हैं कि आज बहुत ही कुछ होने वाला है आपके साथ। जैसे ही आपको बुलाया जाता है कि पर्टिकुलर जो भी है आपका नाम, और वो आपको बोला जाता है कि चलिए आपको मम्मी पापा बुला रहे हैं, तो उसी समय आप समझ जाइए कि बहुत कुछ आपके साथ होने वाला है, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली फिर क्या करने लग जाते हो, लर्न कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप में ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आपके घर वाले आपको ऑब्जर्व करवा देते हैं। ओके, सो स्टेट्स दैट एन इंडिविजुअल लर्न बाय जस्ट बाय बीइंग टोल्ड, ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो सिंपली जो है आपको कुछ कहा जाता है तो उससे भी आप सीखते हैं।
देखिए लर्निंग एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकती, शिक्षण फिर भी बजाय रुक जाए, जो टीचिंग है वो एक समय पर रुक जाती है, बट जो लर्निंग है वो एक अनस्टॉपेबल प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकती है, जो क्या होता है कभी नहीं रुकती है। हाँ, मोहल्ले वालों से भी रिलेट करते हैं। वेरी गुड शिवांशी ने बिल्कुल सही कहा है, मोहल्ले वालों से और रिलेट कर देते हैं कि देखिए सामने वालों के लड़के को देखो, कहाँ पे जॉब कर रहा है, कितना बढ़िया जॉब कर रहा है, इतना पैकेज है, या कितने अच्छे मार्क्स वो लेके आ रहे हैं। तो वो चीज है, ठीक है, मतलब वही चीज है, सोसाइटी हमें बहुत कुछ सिखाती है, और सोसाइटी में हमारे फैमिली एनवायरमेंट, हमारा नेचर और आस पड़ोस सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। अच्छा चलो, लाठी तैयार है। ठीक है, ये तो आपको ही पता है कि भाई नहीं सीखते हैं तो जबरदस्ती सिखाना भी आता है हमारे पेरेंट्स को, और वो देखिए जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, या कहते हैं जो भी अच्छे के लिए ही कहते हैं। तो वो चीज है, सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, बट जो है मान लीजिए बोल देते हैं, आपको पता है ना, आपके पेरेंट्स बोलते देखो वर्मा जी की बेटी को देखो या वर्मा जी की लड़की को देखो, कितनी बढ़िया जॉब कर रहे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स का जो है वो कितना रिस्पेक्ट करते हैं, देखिए सीखिए कुछ उनसे, और एक तुम्हें देखो नालायक बच्चों, मेरे बच्चे इतने नालायक हैं, कोई मतलब नहीं है, मम्मी परेशान हो रही है पूरा दिन से, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी आके हेल्प करवा दे, कहते हैं ना ऐसा, सभी ने सुना होगा, ठीक है, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, दोनों को सुनने को मिलता है। ओके चलिए चलिए चलिए, ओके। सो नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं, अबाउट समथिंग और ऑब्जर्विंग व्हाट हैपेंस टू अदर, ठीक है, हम क्या करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी में, हम क्या करते हैं, एक दूसरे को हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वर्मा जी की बेटी का जो है, मान लीजिए यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको ही पता है आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, फिर आपको ये लगता है कि अरे यार उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया और हम तो अभी तक यही कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व किया हमने शर्मा जी की बेटी को कि भाई उसने कैसे पढ़ाई की थी, वो कितना टाइम पढ़ती थी, किन क्लासेस को उसने ज्वाइन किया, कौन से नोट्स रेफर किए, कितने घंटे वो पढ़ाई करी जिससे उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, ये सब कुछ हम लोग पता लगाते हैं ना उसके बारे में, ऑब्जर्व करते हैं उसको, और फिर उससे क्या करते हैं हम लोग, सीखते हैं। दिस इज नोन एज द सोशल लर्निंग थ्योरी, इसे क्या कहा जाता है, इसे सोशल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। हाँ, एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं भाई। और ध्यान रखना, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि लर्निंग थ्योरी से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, वन कैन लर्न थिंग्स बाय, देखिए अब हम लोग कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, मॉडल्स को, देखिए रोल मॉडल सभी के होते हैं, कुछ के एक्ट्रेस होते हैं, किसी मतलब किसी के लिए रोल मॉडल कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई हो सकता है, और इसके अलावा कोई ग्रेट पर्सनैलिटी भी हो सकती है आपके रोल मॉडल, मतलब रोल मॉडल्स की बात की जाए तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अरे भाई यस मैम, सबकी मम्मी से यही सुनने को मिलता है कि मेरे बच्चे नालायक हैं, तो लायक कौन है समझ नहीं आता, बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सबको ये लगता है कि हमारे बच्चे नालायक है, तो भाई लायक किसके बच्चे हैं, और टीचर्स भी भाई हमें नालायक कहते हैं, पेरेंट्स भी नालायक कहते हैं, फिर क्या करें हम अपने जीवन के अंदर, है ना, यही सोचते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ये देखो माही जी को तो सास बहू याद आ चुके हैं कि भाई मैम बहू के लिए भी यही कहा जाता है कि देखो वर्मा जी की बहू उनके पैर दबाती है अपने सास ससुर के, और एक हमारी बहू है जो टाइम से उठती भी नहीं है, बताइए सास बहू के ड्रामे और चालू गए। हाँ काफी लेट है गजाला जी, भाई क्या बात है आज, गजाला जी कहाँ रह गए,
चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे समझिए कि हम लर्न जो कर सकते हैं, लर्न हम लोग अपने पेरेंट्स से, मॉडल से, आस पड़ोसियों की बहू से, टीचर से, मोशन पिक्चर से, पीयर से, अपने साथी से, अपने बॉस से, टीवी आर्टिस्ट एक्सेट्रा, मतलब जो सीखा है मतलब किसी से भी सीख सकते हैं। ठीक है, किसी से भी सीख सकते हैं। ओके तो चलिए, दिस इज द सोशल लर्निंग थ्योरी। अब देखिए सोशल लर्निंग थ्योरी में जो सीखने की प्रोसेस जो होती है, वो प्रोसेस क्या होती है, उस पर एक प्रकाश हम लोग डाल लेते हैं। ठीक है, एक नजरिया देख लेते हैं, मतलब एक थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखो सारी लड़कियों को हंसी आ रही है, चारू, चंद्रिमा, अंकु, माही, सारी लड़कियों को बहुत ही बढ़िया हंसी आ रही है सास बहू के डायलॉग पे। अरे भाई आज सभी लेट कैसे आ रहे हैं, सभी लेट आ रहे हैं, और अभी तो मेरे को नहीं लगता विंटर्स भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया समर चल रहा है, नींद तो आनी नहीं चाहिए इतनी लेट तक। चलिए तो देखते हैं द प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इसमें पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अटेंशन। आप अटेंशन होता है मतलब आप एक पर्टिकुलर जो स्टिमुलाय होता है उस पर आप फोकस करते हैं। ठीक है, और उस स्टिमुलाय को आप फोकस करते हैं मतलब उसे अटेंशन ही अटेंटिवली उसे देखते हैं और फिर उसको रिटेन करते हैं अपने माइंड के अंदर, मतलब उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको रिटेन करते हैं मतलब उसे समझते हैं, और रिटेन करने के बाद आप उसको मोटर रिप्रोडक्शन मतलब उसकी करते हैं आप प्रैक्टिस। आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और फिर आपके अंदर मोटिवेशन आता है उसको अपने अंदर समाहित करने का, और आप क्या कर लेते हैं, अल्टीमेटली लर्निंग जो है आप अचीव कर लेते हैं। अल्टीमेटली आप क्या कर लेते हैं, लर्निंग जो है आप अचीव कर लेते हैं। बात समझ में आई क्या, दिस इज द सोशल लर्निंग थ्योरी। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी की। और ध्यान रखिएगा, सोशल लर्निंग थ्योरी से पहले मतलब सोशल लर्निंग जो थ्योरी है, ये दो थ्योरीज का कॉम्बिनेशन है, मतलब इन दो थ्योरी के बिना आप जो है सोशल लर्निंग थ्योरी जो है आपके अंदर डेवलप नहीं हो सकती, या फिर सोशल लर्निंग आप नहीं कर सकते। दैट इज, फर्स्ट इज द कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी और सेकंड इज द बिहेवियर लर्निंग थ्योरी। ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी आपको सोशल लर्निंग थ्योरी में किस तरीके से हेल्प करती है, इससे देखिए कॉग्निटिव थ्योरी में आप में क्या होता है, आपके अंदर जो है मेंटल एबिलिटी जो है आपकी डेवलप होती है। क्या होती है, मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है। और बिहेवियर लर्निंग थ्योरी में आप क्या करते हैं, बिहेवियर लर्निंग थ्योरी में आप क्या करते हैं, उसे जो रीइंफोर्समेंट आपको मिलते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, आप उन्हें क्या लेते हैं, अपने अंदर ग्रैस्प करते हैं। रीइंफोर्समेंट आपको मिलता है किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को रिपीट करने के लिए, और आपके अंदर जो है सोशल लर्निंग जो थ्योरी है मतलब जो सोशल लर्निंग है वो आपके अंदर क्या होती है, देन अचीव होती है। तो ध्यान रखिएगा, सोशल लर्निंग जो थ्योरी है आपकी, ये दो थ्योरी से मिलकर बनी है, एक होता है आपका कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी और एक होती है आपकी बिहेवियर लर्निंग थ्योरी। ठीक है, दो थ्योरी से मिलकर जो है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो बनती है। बात क्लियर है, एक बार गाइस थम्स अप करेंगे, बात क्लियर है क्या, मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी के बेस में आपको कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी और बिहेवियर लर्निंग थ्योरी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, एंड गाइस ध्यान रखना, इस संडे को मैं आप लोगों के लिए डिजिटल इनिशिएटिव वाली क्लास लेके आऊंगी, लास्ट संडे में नहीं ले पाई थी ड्यू टू सम रीजन, बट दिस संडे आप लोगों के लिए 9 AM पे ये क्लास में लेके आऊंगी। ठीक है, दिस संडे, ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, थोड़ा सा और प्रकाश हम लोग डालते हैं। द सोशल लर्निंग थ्योरी स्टेट्स दैट पीपल लर्न फ्रॉम वन अनदर बाय ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। देखिए हम जो है एक दूसरे को कॉपी करके सीखते हैं या ऑब्जर्व करके सीखते हैं या एक दूसरे की मॉडलिंग करके सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताया ना, बहुत सारे लोग इमिटेट करते हैं, मिमिक करते हैं किसी और पर्सनैलिटी को, इमिटेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, आप डांस सीखना चाहते हैं, तो आप डांस के लिए क्या करोगे, जो भी आपको सबसे ज्यादा फेवरेट है, आपके जो डांस एक्टर है, मतलब काफी डांसर्स हमारे इंडिया के अंदर है, बहुत ही फेमस है,
जिनको आप क्या करते हो, इमिडिएट ही तो करते हैं, आप उनकी वीडियोस को देखते हैं, आप उनके मूवमेंट्स को देखते हैं, आप उनके एक्सप्रेशंस को देखते हैं और फिर उस तरीके से इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं और अपने अंदर जो है वो डांस स्किल जो है आप अपने अंदर डेवलप करते हैं। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार तिवारी जी, मैम मैं हिस्ट्री में जीआरएफ करना चाहता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं धीरेन्द्र जी, क्यों नहीं कर सकते, हिस्ट्री में करें या जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, पीजी का जो आपका सब्जेक्ट है, आराम से करें जीआरएफ। और अभी देखो, देखिए गाइस, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, आपको एग्जाम या तो जुलाई एंड या फिर आपका एग्जाम जो है अगस्त फर्स्ट वीक में होगा, है ना, ये मान के चलना या तो जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में होगा, क्योंकि जो पैंडेमिक सिचुएशन अभी चल रहा है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि अभी एग्जाम जो है जून में तो नहीं होगा। तो जो भी लेट है, ठीक है, जो भी हमारे लेट स्टूडेंट है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है सेशंस को, तो वो भी आराम से तैयारी कर सकते हैं। आपके पास अराउंड 2 महीने हैं एंड 2 मंथ्स आर सफिशियंट। देखिए, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं एक बार अपने लक को ट्राई जरूर कर सकते हैं, अगर मेहनत अच्छी करोगे तो हो सकता है आपको इसी अटैम्प में जो है जेआरएफ निकल जाए। ठीक है, बस पॉजिटिव एटीट्यूड थोड़ा रखना है आपको अपने अंदर और अब हो जाएगा, मान के चलिएगा बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, और इसके अलावा आपको जो क्लासेस है गाइस फ्री में मिल रही है अकेडमी की लर्निंग ऐप में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करनी हो, PUJE10 पूजा 10 कोड लगा के आप जो है फ्री क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फ्री क्लास एक्सेस करनी हो ये कोड लगा के आप कर सकते हैं। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अगस्त से पहले तो एग्जाम नहीं होगा, ये तो मैं भी आपको कह सकती हूँ। तो चलिए, इट इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज अ ब्रिज बिहेवियरिस्ट एंड कॉग्निटिविस्ट लर्निंग थ्योरीज बिकॉज इट एनकंपासेस अटेंशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन। ये क्या एनकंपास करती है, द अटेंशन, मोटिवेशन एंड मेमोरी को। ठीक है, देखिए, सोशल लर्निंग जो थ्योरी है ये एक ब्रिज का एक पुल का काम करती है बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिविस्ट जो लर्निंग थ्योरी है इन दोनों के लिए, बिकॉज ये एनकंपास करती है अटेंशन को, मेमोरी को एंड मोटिवेशन को। अटेंशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन, इस थ्योरी के अंदर तीनों चीजें देखने को मिलती है, इसीलिए सोशल लर्निंग जो थ्योरी होती है ये ब्रिज का भी काम करती है बिटवीन द कॉग्निटिव एंड द बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, आई होप सो ये लर्निंग थ्योरी जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है आपके सामने 4 इंपॉर्टेंट आपके जो सोशल लर्निंग थ्योरी होती है उसकी 4 मेन प्रोसेस होती है। सबसे पहले होता है अटेंशन, पेइंग अटेंशन टू द मॉडल इज अ कंडीशन ऑफ लर्निंग। मतलब अगर आप कुछ भी लर्न करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको जो है अटेंशन एक मस्ट कंडीशन है जो कि आपको भाई लेके आनी पड़ेगी। मतलब अटेंशन आपको हर चीज पे रखना पड़ेगा, तभी आप लर्न कर सकते हैं। अटेंशन के बाद रिटेंशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आपने जिसको अटेंटिवली सुना है, समझा है, उसको रिटेन भी तो करना जरूरी है अपने माइंड के अंदर। अगर आप चीजों को बार बार भूल जाओगे तो उससे क्या होगा, आपके अंदर लर्निंग जो है वो अचीव नहीं होगी। सो रिमेम्बरिंग व्हाट द मॉडल डिड इन अ कंडीशन फॉर इमिटेटिंग द मॉडल्स बिहेवियर। ठीक है, और आप किसी भी चीज को रिटेन अपने माइंड के अंदर रिटेन कैसे रख सकते हैं, जब आप उसे इमिटेट करते हैं या फिर आप उसे रिपीट करते हैं। जब आप रिपीट करते हैं किसी चीज को, इमिटेट करते हैं, दोहराते हैं, तो आपके अंदर क्या होती है, चीजें रिटेन होती जाती है, माइंड के अंदर रिटेन होती जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। अब जो माइंड में रिटेन किया है उसे रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, द पीपल मस्ट हैव अ कैपेसिटी फॉर इमिटेटिंग द बिहेवियर। फिर आपके अंदर, मतलब आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उस इन्फॉर्मेशन को वापस से रिप्रोड्यूस कर सके। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को लर्निंग थ्योरीज के बारे में बता रही हूँ, तो जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको रिप्रोड्यूस कर सके। आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होती है, बिहेवियर और जो लर्निंग थ्योरी वो क्या होती है, कॉग्निटिविस्ट क्या होती है, क्लासिकल लर्निंग थ्योरी क्या होती है, ऑपरेंट लर्निंग क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके आता है द मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है कि पीपल मस्ट बी मोटिवेटेड टू इमिटेट बिहेवियर। मतलब आपके अंदर आपको मोटिवेशन आ जाना चाहिए कि ये जो भी आपने लर्न किया है ये आपके बिहेवियर के अंदर क्या हो जाना चाहिए, मतलब आपका ये बिहेवियर जो है वो डेवलप हो जाना चाहिए। तो एक मोटिवेशन आपके अंदर ये होना चाहिए।
नेक्स्ट है आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग. दिस इज ऑल्सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, ये वाली थ्योरी भी जो लर्निंग थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, ठीक है, जिसे रचनावादी जो है आप जो है अनुसंधान के नाम से जानते हैं. जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी जो है ये कहती है कि जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने समझा है, जो भी आपने कॉग्निटिविस्ट लर्निंग थ्योरी के अंदर समझा है, सीखा है, अपनी मेंटल एबिलिटी जो आपने डेवलप की है, अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, नई इंफॉर्मेशन को इवॉल्व करना है, नए बिहेवियर को लेके आना है, तो वो आपका कहलाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग. क्या कहलाता है वो आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग जो है वो आपका कहलाता है. ओके ओके चलिए. तो यहाँ पे मैम सोशल लर्निंग थ्योरी में जो जो टेबल थी उसे शो करना प्लीज. कौन सी टेबल थी भाई, ये वाली टेबल क्या? कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग फिर से बता दे. अरे भाई बता ही रही हूँ, अभी तो स्टार्ट किया है द कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी, अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट की है, मैं उसको ही समझा रही हूँ. देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी जो है मतलब जो भी आपने सीखा है समझा है, अब उसका एक नया नजरिया, नए पहलू को डेवलप करना जो होता है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग के अंदर होता है. ठीक है, तो चलिए. एवरीवन कंस्ट्रक्ट हिज और ओन नॉलेज. देखिए आपको पता है आप एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हो, जैसे आपने अपने पड़ोसी से सीखा, ठीक है, आपने आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर ने आपको सिखाया, आपने सीखा तो बहुत, ठीक है, मतलब आपने बहुत कुछ सीख लिया, बट आपको ये बताना हर एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, सबके सोचने का समझने का तरीका अलग होता है. तो वही चीज है कि आप अपने आप की चीजें खुद क्या करते हैं, फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं. अब देखिए काफी बार हम क्या करते हैं, हम दूसरों के टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, ठीक है. मान लीजिए मैंने आपको एक टाइम टेबल बताया कि ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर लो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट क्या वो टाइम टेबल सभी के लिए फॉलो करना आसान है क्या? मतलब क्या सभी उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं क्या, मुझे बताइए, क्या सभी उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नॉट. क्यों? क्योंकि सभी के पढ़ाई का टाइमिंग अलग है, सभी के घर की सिचुएशन, एनवायरमेंट की सिचुएशन. अब कहीं तो भाई एक साइक्लोन आ रहे हैं, कभी ताऊते आ रहे हैं, कभी या कौन आ रहा है, एक और आ रहा है ना भी, कौन सा तूफान आ रहा है, उसका तो नाम भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो वो अलग तूफान आ रहा है. अब किसी भी किसी किसी स्टेट में कोविड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भाई सभी का जो है एक जैसा एनवायरमेंट नहीं बन सकता है सभी के पढ़ने के लिए, या सभी को टाइम टेबल एक जैसा फिट नहीं हो सकता है. तो वही चीज है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप खुद की चीजों को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं. एंड दिस इज द कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, दिस इज नोन एज द कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग. फटाफट से बताइए. यास, देखिए बिल्कुल यास आ रहा है भाई, अभी जो नेक्स्ट साइक्लोन आ रहा है जो कि यास है, ठीक है, तो वो साइक्लोन जो है मतलब जहां पे साइक्लोन आ रहे हैं उन लोगों की या उन स्टूडेंट्स की सिचुएशन अलग है. वो जरूरी नहीं है जो टाइम टेबल मैं बताऊं उसी को फॉलो करें. ओके अभी ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, फिर येलो फंगस, फिर कोविड, फिर ये साइक्लोन्स,
बस यही है। चलिए तो यहाँ पे वही चीज है, एवरीवन कंस्ट्रक्ट हिज और हर ओन नॉलेज, सभी जो है अपने अपने नॉलेज को क्या करते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड स्किल्स एज अ रिजल्ट ऑफ अंडर गोइंग एक्सपीरियंसेस। देखिए सबकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस आते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस से हम क्या करते हैं, हम उन एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, ठीक है, सीखते हैं और क्या करते हैं, नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनसे सीखते हैं और उससे नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। द लर्निंग और नॉलेज कंटिन्यूअसली गेट कंस्ट्रक्टेड एज न्यू नॉलेज इज अक्वायर्ड, ठीक है, हम कंटिन्यूअसली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं और जो नई नई नॉलेज है उसे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं और एक्वायर्ड करते हैं। इट मीन्स न्यू एक्सपीरियंस इज इंटीग्रेटेड विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस। इससे हम कह सकते हैं कि जो न्यू एक्सपीरियंस है उससे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस से अंडर द कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल। द फोकस इज ऑन द इंडिपेंडेंट लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। द फोकस इज ऑन जनरलाइजेबल स्किल्स दैट आर अपॉन इंडिविजुअल डिस्कवरी, ठीक है, यहाँ पे जो फोकस होता है वो जनरलाइज करना होता है स्किल्स को दैट आर अपॉन इंडिविजुअल डिस्कवरी, मतलब आप क्या करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, मतलब नई नई नॉलेज आप लेके आते हैं और सभी के सामने रखते हैं जिसे जनरलाइज किया जाता है। जैसे आपको ही पता है कोविड को लेके काफी सारी वैक्सीनेशन अलग अलग देश बना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पहले सीखा है कोविड के जैसे पहले जो फेजेस थे उनसे हम लोगों ने जो सीखा है उसको सब कुछ अंडरस्टैंड करके हम न्यू नॉलेज को क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, मतलब नई चीजों के बारे में हम लोग जान रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं नई नॉलेज का, नई स्किल्स का, नई या नई दवाइयां जो भी है। तो दिस इज नोन एज द कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, उसे कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग कहा जाता है। डिस्कवरी लर्निंग जो है आपकी, डिस्कवरी लर्निंग इज बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। डिस्कवरी लर्निंग जो है ये आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे बेस्ड होती है एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जर्मन ब्रूनर। ब्रूनर के द्वारा जो है ये आपकी लर्निंग दी गई है एंड इट इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, और ये मेथड होती है आपकी इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन का। दिस इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, क्लियर है, इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन की ये क्या होती है, एक मेथड है। दिस पॉपुलर थ्योरी एनकरेजेस लर्नर्स टू बिल्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। ये जो लर्निंग थ्योरी है ये जो है लर्नर्स को एनकरेज करती है कि जो भी आपने पास्ट में सीखा है, समझा है, एक्सपीरियंस किया है, नॉलेज ली है, उस पे न्यू नॉलेज जो है आप जनरेट करें। तो ये जो लर्निंग थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो लर्निंग है, ये क्या करती है, मोटिवेट करती है, किसे मोटिवेट करती है, स्टूडेंट्स को, कि वो नई नई नॉलेज को क्या करें, कंस्ट्रक्ट करें। इसीलिए तो इसे रचनावादी शिक्षा के रूप में जाना जाता है। रचनावादी, जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि नई चीजों की रचना करना, क्या करना, नई नई चीजों की रचना करना, रचनावादी शिक्षा के अंदर हमारे आता है। प्रतीक्षा पाठक जी एंड धीरेन्द्र जी, जिनका भी क्वेश्चन है, देखिए गाइस पेपर वन के लिए मैंने बुक जो है वो आपको रेफर करी हुई है विद रिव्यू, मैंने आपको बताया हुआ है, आप जो है वीडियो सर्च कर लीजिएगा बेस्ट बुक फॉर यूजीसी पेपर वन बाय पूजा वर्मा मैम, तो आपको जो है वो बुक मिल जाएगी, ठीक है, मतलब वो वीडियो मिल जाएगा, उसे देख लेना, शॉर्ट वीडियो है और आई होप सो दैट वीडियो हेल्प्स यू, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे यूज योर इंट्यूशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी and search for new information to discover the facts, correlation and the new truth. ठीक है, मतलब constructivist learning ये कहती है कि जो भी आपने पहले सीखा है उसको, जो भी आपने knowledge दी है, skill दी है, उसको construct करके new knowledge and new skills को लेके आना, ठीक है, new knowledge, new skills को develop करना, this is known as the constructivist learning. इसे जो है constructivist learning के नाम से जाना जाता है, clear है, एक बार फटाफट से बता दे, सब कुछ क्लियर है क्या गाइस? ओके, ऑल क्लियर, चलिए वेरी गुड। दिस इज नोन एज द कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। अब देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग जो थ्योरी है इसमें तीन चीजें होती है, लर्निंग एनवायरमेंट होता है,
लर्निंग पार्टिसिपेशन होता है और लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और उससे जो है नॉलेज जो है वो हमारी क्या होती है, डेवलप होती है। क्या होती है? हमारी नॉलेज जो है वो हमारी डेवलप होती है। ठीक है, ओके। अब देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग जो है ये मेजरली कहाँ पे यूज की जाती है, जैसे मान लीजिए कोई भी म्यूजिक है, म्यूजिक है, आपको पता है ना, आप म्यूजिक के बेसिक्स को आप सीखते हैं, बेसिक्स तो सभी का सेम है, सभी के लिए एक जैसा होता है बेसिक, तो सारे का मापा हारमोनियम बजाना हो गया, गिटार बजाना हो गया, या कोई भी तबला वबला बजाना हो गया, तो ये सब कुछ आप क्या करते हैं, बेसिक नॉलेज ही सीखते हैं। ये सीखने के बाद आप क्या करते हैं, न्यू नॉलेज डेवलप करते हैं, मतलब कुछ नई नई धुन आप जो है म्यूजिक जो है आप कंपोज करते हैं, नया म्यूजिक बनाते हैं, बनाते ही नहीं बनाते, दिस इज नोन एज द कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, वो जो होती है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग होती है। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पेंटिंग, पेंटिंग में आपको क्या होता है, पेंटिंग के बेसिक्स आपको सिखाए जाते हैं कि एक पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। अब ऐसा तो ये है नहीं कि जो एक बार आपको पेंटिंग सिखा दी वो लाइफ टाइम आप वही पेंटिंग बनाते हैं, आप क्या करते हैं नई नई पेंटिंग्स बनाते हैं, नई नई तरीके से बनाते हैं, तो वो जो है आपका एग्जाम्पल, वो है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज है आपकी जो लर्निंग थ्योरीज के बारे में, एक बार मैं क्रक्स आपको इनका बता देती हूँ। क्रक्स ऑफ द लर्निंग थ्योरीज दैट इज द बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, ये तीनों थ्योरीज मेन थ्योरीज है, एंड बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव थ्योरी को मिलकर जो है, इन दोनों के मिलकर जो कौन सी थ्योरी बनती है, सोशल लर्निंग थ्योरी बनती है। कौन सी बनती है हमारी, सोशल लर्निंग जो थ्योरी है वो हमारी बनती है, सोशल लर्निंग थ्योरी इन दोनों को मिला के हमारी बनती है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या कहती है, एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलाई एंड द रिस्पॉन्स लीड्स टू ए न्यू बिहेवियर और चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, एसोसिएशन, स्टिमुलाई आपको मिलता है, आप उसे रिस्पॉन्स करते हैं, और उससे उससे क्या होता है, आपके अंदर कोई न्यू बिहेवियर या फिर आपका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। यस मैम, प्रैक्टिकल तो बहुत किया है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की, बट थ्योरी आज पता चली है। अच्छा जी, चलिए, वेरी गुड। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। कॉग्निटिविस्ट जो कॉग्निटिविज्म है लर्निंग थ्योरी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, द लर्नर प्रोसेसेस द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन सीकिंग वेज टू अंडरस्टैंड इट रिलेटेड टू ऑलरेडी नोन इंफॉर्मेशन विद इन हिज मेमोरी, मतलब विद इन हिज मेमोरी में क्या किया जाता है, उस नॉलेज को ग्रेस्ट किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। फिर आपके आती है कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, द लर्नर कंस्ट्रक्ट हिज एंड ओन विजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, जो लर्नर होता है अपना ओन ओन विजन विजन जो होता है दुनिया को देखने का, संसार को देखने का जो नजरिया होता है उसे डेवलप करता है, बेस्ड ऑन हिज इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज पे बेस्ड जो है ये फिर क्या करता है, सीखता है, समझता है। दिस इज द कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। तो यहाँ पे बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड सोशल लर्निंग थ्योरी, इन सभी के बारे में मैंने आपको ब्रीफ आउट कर दिया है, और ये वाला सेक्शन जरूर अच्छे से देख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला सेक्शन अच्छे से देख लेना। मैम साइड हो जाइए प्लीज, अरे भाई लोग हो जाते हैं साइड। ठीक है, अभी नजर आ रहा है ना आपको, चलिए तो नाउ क्लियर। ठीक है, ओके, तो चलिए गाइस आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लास, एंड अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। इसके अलावा अनअकैडमी की किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक करना हो, पूजा टाइम कोड आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या फिर अनअकैडमी की किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक करना चाहते हैं, ये रेफर कोड है मेरा,
ये आप अप्लाई करेंगे तो आप जो है इनवाइट कोड है, रेफर कोड भी है, तो आप किसी भी फ्री क्लास को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लासेस. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे. Okay guys, thank you. Bye bye. Take care. Have a nice day.